पांवटा साहिब अति संवेदनशील इलाका है तथा बरसात के दिनों पर यहां की यमुना, गिरी, बबाता नदी और खाले खड्ड में जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे कि पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस वर्ष जिला उपमंडल दंडाधिकारी लायक राम वर्मा के द्वारा आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन जारी की गई है। वहीं उपमंडल अधिकारी का कहना है वह हेल्पलाइन के साथ जुड़े रहते हैं। जो भी इस हेल्पलाइन पर मदद की गुहार आती है वह संबंधित विभाग से संपर्क कर उसी समय मदद पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम तैयार रखते हैं तथा हर संभव मदद पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि 0174224100 के माध्यम से आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन पर फोन कर संपर्क किया जा सकता है। इस हेल्पलाइन को सफल बनाने के लिए अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर खासकर बरसात के दिनों में 24x7 हमारा कंट्रोल रूम चलता है, जिसमें दिन में भी किसी की ड्यूटी होती है और रात को भी किसी न किसी की ड्यूटी रहती है। यदि कोई ऐसी बात हो जाए, कोई फ्लड में या किसी दूसरी वजह से कोई परेशानी हो जाती है, तो कंट्रोल रूम में सूचना आती है। सूचना में एक बार वो सूचना हमें मिलती है, मुझसे उच्च अधिकारियों को जाती है और जो भी उस समय उसका एक्शन करना होता है उसको किया जाता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा।